हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मेरा नाम है करण और मेरे टेक्निकल के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और पूरा प्रोसेस समझें कि कैसे कैसे क्या। चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हाई एमबी में देखने को मिलती है, हाई क्वालिटी में देखने को मिलती है। जैसे फ्रेंड्स, मैं किसी वीडियो को यहां पे प्ले कर लेता हूं, जैसे फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे ये यहाँ पर काफ़ी एच डी में यहाँ पे देखने को मिलता है, हाई क्वालिटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप कैसे इसको लो क्वालिटी में कैसे चेंज कर सकते हैं कि आपके मोबाइल का डाटा भी ज़्यादा खर्च ना हो और आप किसी भी वीडियो को यहाँ पे देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊँगा कि वो फ्रेंड्स आपको बार बार अपनी वीडियो में जाके नहीं करना पड़ेगा कि आप जैसे अपनी वीडियो आपने कोई सी प्ले की और फिर आप उसकी सेटिंग में गए और आप उसको हाई क्वालिटी से लो क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही सेटिंग बताऊंगा कि आप जैसे ही एक सेटिंग पर क्लिक करेंगे, आप कभी भी अपनी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो देखेंगे तो वो लो क्वालिटी में ही चलेगी। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन कर देने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे ऊपर राइट साइड में आपको अपनी प्रोफाइल का आइकन देखने को मिल रहा है, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक कर देने के बाद अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं, आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वीडियो क्वालिटी का। आपको वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वीडियो क्वालिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन लिखा हुआ है सबसे ऊपर, वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो मोड पे पहला ऑप्शन आपका सेलेक्ट है और नीचे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है वीडियो क्वालिटी ऑन वाईफाई और इस पर भी आपका पहला ऑप्शन सेलेक्ट है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स आपको करना क्या है, आपको तीसरा ऑप्शन देखने को मिल रहा है डाटा सर्वर और लिखा हुआ है लोअर पिक्चर क्वालिटी। तो आपको लोअर पिक्चर क्वालिटी के तीसरे वाले ऑप्शन पर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना है। आप इसको जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आप फ्रेंड्स आपको नीचे आना है, थोड़ा नीचे यहाँ रुकना फ्रेंड, थोड़ा वेट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको थोड़ा फिर नीचे आना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे और सबसे नीचे डाटा सर्वर का ऑप्शन मिल रहा है। तो आपको इसको भी पहले ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन में चेंज कर देना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको दोनों ऑप्शन लो क्वालिटी में यहाँ पे डाटा सर्वर पर दोनों ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स, आप अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो चलाएंगे, चाहे आप कभी भी चलाएं, तो फ्रेंड्स वो हाई क्वालिटी में नहीं चलेगी, वो लो ही क्वालिटी में ही चलेगी। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे ही बड़ी आसानी से अपने यूट्यूब की हाई क्वालिटी को लो क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स।